वो तो फैसिलिटीज देगा ही देगा। उसके साथ साथ ही इस कंट्री में ये जितने भी कंट्री है वहाँ जाने के बाद आप लोगों को PR भी मिलेगा, प्लस आप लोग वहाँ पर जाके आप लोग जो जॉब प्लेसमेंट है उसको चेंज कर सकते। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसराइल के वीज़ा के बारे में, इसराइल में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो एक वीज़ा एक ही सेक्टर, उसके बाद हम लोग चेंज नहीं कर सकते इसराइल में। मगर दूसरा कंट्री में क्या, यूरोप कंट्री में, वहाँ जब हम लोग सेटल हो जाएंगे, वहाँ के जो इन्वायरमेंट हम लोग को जब समझ में आएगा, तो हम लोग दूसरा सेक्टर में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग इज़राइल, गुड मॉर्निंग फैमिली। दोस्तों ये चेक करें, बहुत सारे लोग मॉर्निंग सुबह के टाइम में ज़्यादा करके लोग सी साइड में अपना अपना बोट लेके आ रहे हैं और सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, कैसे हो गाइस? आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SAR24 Vlogs। मैं हूं आप लोगों का दोस्त समीर राखाली राय और मैं बिलोंग करता हूं इंडिया वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से। फिलहाल मैं इसराइल में हूं, आप लोगों को तो मालूम है मैं क्या केयर गिवर जॉब कर रहा हूं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में आप लोगों को मैं कुछ यूरोप कंट्री के बारे में सजेस्ट करने वाला हूं। और स्टे ट्यून, अगर आप लोग नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। और आज है हमारा डे 19, जो एक्सरसाइज चैलेंजिंग का डे आज 19 है। तो 19वां दिन हम लोग इन्जॉय करेंगे, और जो भी हो आज के दिन आप लोगों को मैं रिकमेंड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ यूरोप कंट्री के बारे में। तो स्टे ट्यून गाइस। तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा, डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे तो आप लोगों को मैं बता भी चुका हूँ, और आप लोगों ने मेरा थंबनेल देख के भी आप लोगों को मालूम पड़ चुका होगा। तो दोस्तों आज एक खुशी की खबर आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, जो कि है यूरोप कंट्री का जॉब प्लेसमेंट। तो कौन कौन सा कंट्री है उसके बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ। बेल्जियम, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया और लिथुआनिया और हंगेरी, ये सब कंट्री में अभी प्लेसमेंट खुला है। और अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करना। मैं आप लोगों को फ़ोन नंबर और मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो रख दे रहा हूँ। इसके लिए आप लोगों को मिनिमम क्वालिफिकेशन लगेगा 10 के ऊपर जितना भी पढ़ाई आप लोगों ने किया है वो सब चलेगा, बिलो 10 नहीं चलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को कम्युनिकेट आना पड़ेगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिना इंग्लिश का नहीं चलेगा इस जगह यहाँ पे। और आप लोगों को वीडियो कॉल पे आप लोगों का इंटरव्यू हो रहा है, बहुत सारे लोग का हो चुका है और जा भी रहा है। और प्रोसेसिंग टाइम आप लोगों का मिनिमम 4 महीने लगे, 4 महीने के अंदर ये सब काम हो रहा है और बहुत सारे लोग जा भी चुके हैं। और कंपनी आप लोगों को लॉजिंग प्रोवाइड करेगा, शायद फूडिंग अपना रहेगा, मेडिकल फैसिलिटी वो सब तो फॉरेन कंट्री में वो तो फैसिलिटीज देगा ही देगा। उसके साथ साथ ही इस कंट्री में ये जितने भी कंट्री है वहाँ जाने के बाद आप लोगों को PR भी मिलेगा, प्लस आप लोग वहाँ पे जाके आप लोग जो जॉब प्लेसमेंट है उसको चेंज कर सकते। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इसराइल के वीज़ा के बारे में, इसराइल में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो एक वीज़ा एक ही सेक्टर, उसके बाद हम लोग चेंज नहीं कर सकते इसराइल में। मगर दूसरा कंट्री में क्या, यूरोप कंट्री में, वहाँ जब हम लोग सेटल हो जाएंगे, वहाँ के जो इन्वायरमेंट हम लोग को जब समझ में आएगा, तो हम लोग दूसरा सेक्टर में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि दूसरा सेक्टर में हम लोग काम कर सकते हैं। साथ साथ ही उस कंट्री से दूसरा कंट्री भी हम लोग जा सकते हैं, ये सब चीज़ें। और इन फ्यूचर में नो डाउट वहाँ पे PR भी मिलने का चांसेस है। इसराइल में आप लोग 10 साल 15 साल जो भी काम करो यहाँ पे PR वगैरह नहीं मिलने वाला है। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी यहाँ वहाँ से 70,000 to 80,000 या फिर 90,000 आपके परफॉर्मेंस के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगा, उतना पगार मिलेगा गाइस।
डेफिनेटली नो डाउट। और काम आपका 8 से 10 घंटा, उसके ऊपर नहीं, 8 से 10 घंटा काम है इसराइल में। यहाँ पे 24 आवर काम है गाइस, दिन रात यहाँ पे काम है। यूरोप में क्या है, आपका घंटे के ऊपर है, 10 घंटा काम करो उसके बाद छुट्टी, अपने अपार्ट में जाओ, ड्यूटी में रूम पे जाओ, इन्जॉय करो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुश्किल से महीने में एक बार छुट्टी मिलता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आने वाला है, अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है, अगर ऐसा हो गया तो मेरे को लगता नहीं इन फ्यूचर में यहाँ पे कोई भी काम करने को राजी होगा। सबसे पहले तो इसराइल में आप लोग कपल्स नहीं रह सकते, यहाँ पे शादीशुदा या फिर शादीशुदा मतलब आप अपने बीवी के साथ इसराइल में रहना इलीगल है, अलाउ नहीं है। अगर आप ऑफिशियल मैरिड हो तो आप लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल मैरिड जो भी कपल से उन लोगों को अलाउ नहीं है, आप लोग अपने गर्लफ्रेंड के साथ रुक सकते हो। और एक चीज़ है, यहाँ पे ऐसे बातें चल रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे जो हम लोग एक पिचुंग करके मिलता है पेंशन मनी, वो नहीं मिलने वाला है। पिचुंग यहाँ पे यहाँ का पब्लिक अपील कर रहा है कि जो भी फॉरेन वर्कर के केयर गिवर सेक्टर में उन लोगों को पिचुंग, जो हम लोग को लास्ट टाइम जब हम लोगों को लगता है नहीं अभी मैं घर चला जाऊँगा, उस टाइम जो भी हम लोग का पीएफ ही समझे, पीएफ मनी जो डिपॉजिट रहता है, वो पैसे अभी देने के लिए मना कर रहा है। वो अभी केस चल रहा है, आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है, देखते हैं। सलाम। तो अगर ऐसा हो गया तो मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पे काम करने के लायक जो इन्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि पगार के दम पे यहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल है गाइस, यहाँ पे बहुत मुश्किल है सिर्फ एक पगार। अगर ये चीज़ हम लोग बाहर कंपेयर करेंगे तो बाहर सब कुछ मिल रहा है। हाँ, अगर सैलरी के कंपेयर करेंगे, सैलरी ये यूरोप कंट्री के जितने भी बारे में पता है इससे हम लोग को थोड़ा कम है यहाँ पे, मगर वहाँ पे काम भी कम है ना, 8 घंटा से 10 घंटा काम करो, बिंदास निकल जाओ, ख़त्म। मगर यहाँ पे क्या है, महीने भर काम करना पड़ता है, कभी कभी 2 महीने एक बार छुट्टी मिलता है गाइस, फ्राइडे आफ्टरनून जाओ, सैटरडे आफ्टरनून रिटर्न, फिर काम से, ये सब चीज़ें। अगर आवर के हिसाब से फिर आप लोगों को बता, आवर के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो केयर गिवर में बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। यहाँ पे हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिल रहा है 8,000, वो भी पूरा महीना ओटी सब कुछ लगा के, सिर्फ 8,000 शेकल, 24 घंटा काम है। तो घंटे के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को बहुत कम पगार है, मगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं भारतीय पैसा, हाँ 8,000 इंडिया में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा ही अमाउंट निकलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग चल रहा है यहाँ पे। मगर अगर आज के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो इधर आना मुनासिब नहीं है, फ़ायदे अगर हम लोग देखें तो इतना फ़ायदा नहीं देगा, जितना भी साल काम करो ऊपर से पीआर भी नहीं मिलेगा, ऊपर से यहाँ पे आने वाले वक्त में जो पीएफ हम लोग का पैसा वो भी नहीं देने का बात चल रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ ये नंबर शेयर करना चाहूँगा, और उसके साथ साथ मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ कॉन्टैक्ट करना। और प्रोसेसिंग टाइम आप लोगों को मैं बता दिया, 4 महीने के अंदर अंदर ये सब हो जाएगा, आप लोगों का वीडियो कॉल में इंटरव्यू होगा, बहुत सारे लोग का हो चुका है, मैं आप लोगों को वो सब प्रूफ भी दूंगा अगर चाहते हो, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये सब प्रूफ मैं देने के लिए रेडी हूँ। अगर आप लोग बोल रहे हो जो सर्विस चार्ज कितना लगेगा, क्या लगेगा, सर्विस चार्ज के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दे रहा हूँ अगले वीडियो में। और जहाँ तक मेरा समझना है, जो सर्विस चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा, जब तक आपका पूरा काम नहीं होगा तब तक आप लोगों को सर्विस चार्ज नहीं देना है, जब तक आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों को सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। तो नो डाउट बहुत अच्छा कंपनी है, आप लोग अगर जाना चाहते हो तो इसराइल में जो सर्विस चार्ज लग रहा है 25 लाख लड़का का मिनिमम, लड़की का 16 लाख, उससे कई गुना कम लगेगा, ये सब चीज़ें। तो अगर आप लोग जाना चाहते हो तो रेडी हो जाओ गाइस, यूरोप कंट्री में आप लोगों को पूरा डिटेल्स दूंगा आने वाले वक्त में, तो स्टे ट्यून। अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। जय सिया राम। अभी मैं जाऊंगा स्विमिंग करने के लिए। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, सी यू अगेन लेटर। दोस्तों आज का स्विमिंग वगैरह हो गया, अभी यहाँ से मैं सीधा जाऊंगा, बाइट सेवदी बोलते हैं यहाँ के लैंग्वेज में, इट्स लाइक अ ओल्ड एज होम।
तो वहाँ जाके मेरे को व्हील चेयर लेके जाने का है रूबिन के लिए, क्योंकि रूबिन को आज हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं हदेरा। तो अभी मैं सुबह के टाइम सबसे पहले वहाँ से व्हील चेयर लेके जाऊँगा, ये पूरा चेक करना पीछे की ओर। तो रूबिन को आज दो दो जगह डॉक्टर के पास लेके जाने का है मेरे को। तो थैंक यू गाइस, जो भी फर्दर डिटेल्स है यूरोप कंट्री के बारे में, सैलरी पैकेज सर्विस चार्ज जो भी है और किस तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सब डिटेल्स फिर से मैं अगले ब्लॉग में लेके ज़रूर आऊँगा। अगर इसी ब्लॉग में मैं सब कुछ बता दूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो एनीवे गाइस, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच आप लोग का प्यारा सपोर्ट के लिए। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।